भारत माता की जय। इंकलाब इंकलाब वंदे वंदे। बहनों भाइयों माताओं बुजुर्गों, सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं, समय निकाल के आए, इतनी प्यार मोहब्बत दी, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग बिजली पानी की बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले दो चार बातें और करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। दोस्तों, पिछले एक साल से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। राष्ट्रपति शासन का मतलब कि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में होती है वही पार्टी दिल्ली चला रही है। पिछले छह महीने से एक तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार चला रही है राष्ट्रपति शासन के जरिए। छह महीने पहले देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत देकर जिताया था। क्यों? हम सारे कांग्रेस से तंग आ चुके थे। कांग्रेस ने इतनी महंगाई कर दी थी, इतना भ्रष्टाचार कर दिया था, लोग बदलाव चाहते थे, लोगों ने बीजेपी को जिता दिया। लेकिन पिछले छह महीनों के अंदर जितने यूटर्न इस सरकार ने मारे हैं, जो जो वादे कर रहे थे चुनाव के पहले, एक एक वादे से मुकरती जा रही है, एक एक वादे से मुकरती जा रही है। चुनाव के पहले भाजपा ने बोला था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम हुई क्या भाई साहब? महंगाई बढ़ी है पिछले छह महीने में, गलत तो नहीं कह रहे थे? महंगाई बहुत बढ़ गई पिछले छह महीने। जैसे ही चुनाव जीते, इन्होंने चुनाव के पहले कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हमने सोचा कि महंगाई कम हो जाएगी चुनाव के बाद। चुनाव के बाद इन्होंने सबसे पहले चीनी के दाम बढ़ाए, फिर आते ही रेल के दाम किराए बढ़ाए, फिर फलों के दाम बढ़ गए, सब्जियों के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए, फिर इन्होंने बिजली के दाम बढ़ाए। याद करो, चुनाव के पहले पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगे हुए थे जी, जीत गए तो बिजली के दाम 30% कम करेंगे। छह महीने में 30% कम नहीं करे, 1% भी कम नहीं करा, दो बार बिजली के दाम बढ़ा दिए, 15% बिजली के दाम बढ़ा दिए इन्होंने छह महीने। और एक बात है जो कई लोगों को यहां बैठों को पता नहीं होगी, अभी डेढ़ महीने पहले इन्होंने 108 दवाइयों के दाम 10-10 गुने बढ़ा दिए, 10-10 गुने, कैंसर के, ब्लड प्रेशर के, शुगर की, इन तीन बड़ी भयानक बीमारियों की 108 दवाइयों के दाम इन्होंने 10-10 गुने बढ़ा दिए। मेरे ख्याल से ग्लिम्पेक्स नाम एक कैंसर की दवाई है जी, ग्लिम्पेक्स है शायद उसका नाम, 8,000 रुपए की आया करती थी पहले, उसके दाम इन्होंने 1,08,000 कर दिए। एक ब्लड प्रेशर की दवाई हुआ करती थी जी 142 रुपए की आया करती थी, 1,600 रुपए की कर दी। तो इन्होंने महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं किया, हर चीज के दाम बढ़ाते गए, हर चीज के दाम बढ़ाते गए, धोखा दिया गया। फिर इन्होंने चुनाव के पहले कहा था भ्रष्टाचार कम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी कम हुई? ये सरकारी विभागों के अंदर पैसे लेने बंद करे, पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद करे, ये नगर निगम वालों ने पैसे लेने बंद करे, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों ने पैसे लेने बंद करे, भ्रष्टाचार भी नहीं कम करा। फिर इन्होंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, दिल्ली में भाई साहब 2.5 लाख ई रिक्शे वाले आएंगे, ई रिक्शे वाले 2.5 लाख ई रिक्शे वाले दिल्ली में, बेचारे गरीब आदमी है, अपना मेहनत करके पेट पालते थे, अपने बच्चों को पाला करते थे, 2.5 लाख ई रिक्शे वालों को बेरोजगार करके अपने घर बिठा दिया। दोस्तों, इन्हीं रिक्शा वालों से जाके पूछो इनके अच्छे दिन आ गए क्या। अभी वसंत कुंज के अंदर आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कई लोगों की झुग्गियां तोड़ दी इन्होंने भाई साहब, वो सारे झुग्गी वाले आज सड़कों के ऊपर रह रहे हैं इतनी ठंड के अंदर, उनसे जाके पूछो उनके अच्छे दिन आ गए क्या। दिल्ली के अंदर व्यापारियों के ऊपर एक के बाद एक रेड मार रहे हैं, वेट डिपार्टमेंट की रेड मार रहे हैं, फूड डिपार्टमेंट की रेड मार रहे हैं, इन व्यापारियों से जाके पूछो इनके अच्छे दिन आ गए। फिर इन्होंने कहा काला धन लेके आएंगे,
70 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंकों में पड़े हैं, वो 70 लाख करोड़ 100 दिन में लाएंगे, हर परिवार को 15-15 लाख रुपए देंगे। गाथा की नहीं खाता भाई साहब, 15-15 लाख रुपए देंगे। अभी इन्होंने जनधन योजना शुरू करी थी, बोले बैंक अकाउंट खुलवाओ, जनता को लगा इसी अकाउंट में आएंगे 15 लाख रुपए, सबने खुलवा लिया। अब रोज जनता जा जाके पूछ रही है मैनेजर से, जी आए पैसे मैनेजर बेचारा क्या बता, अभी तक तो चवन्नी नहीं आए भाई साहब। नहीं जी, किसी के 15 लाख रुपए आए हो तो बता दो भाई साहब, किसी के नहीं आए, झूठ बोला। मजाक की बात अलग है, लेकिन जब इन्होंने कहा था 70 लाख करोड़ रुपए 100 दिन में लाएंगे, हमें पता था होने वाली बात नहीं है, आई नहीं सकते, झूठ बोला था। चुनाव के पहले वोट लेने के लिए उन्होंने सरासर झूठ बोला था भाई। फिर एक लिस्ट है जी, 624 लोगों की एक लिस्ट है, अपने देश के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट है। उस लिस्ट में उन लोगों के नाम है जिनके स्विस बैंकों में खाते हैं, वो सरकार के पास लिस्ट है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा भाई ये लिस्ट बताओ जनता को, जनता को पता होना चाहिए किस किस के स्विस बैंकों में खाते हैं, सारी लिस्ट जनता को बताओ। कांग्रेसियों ने लिस्ट नहीं बताई, क्यों नहीं बताई, उसमें कांग्रेसियों के नाम थे। उस टाइम बीजेपी वाले चिल्लाया करते थे हमारी सरकार आ गई तो हम लिस्ट खोलेंगे जनता को, हमारी सरकार आ गई तो हम जनता को लिस्ट बताएंगे। अब बीजेपी की सरकार आ गई, अब ये भी नहीं बता रहे, क्यों नहीं बता रहे। जब बीजेपी वालों ने लिस्ट देखी तो पता चला इसमें तो अपने वालों के भी नाम है, कांग्रेसियों के भी नाम है, बीजेपी वालों के भी नाम है। अब कह रहे हम लिस्ट नहीं बताएंगे, हर चीज में यू टर्न करा, जो कहा वो मुकर गए ये लोग। कई लोग मेरे को कहते हैं कि भाई साहब अभी तो 6 महीने हुए हैं, अभी समय देना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं 49 दिनों में हम लोगों ने इतने काम कर दिए, 180 दिनों में ये एक भी काम नहीं कर सकते थे क्या? 180 दिनों में एक तो काम कर देते जनता के लिए। हमने कहा था हम बिजली के दाम आधे करेंगे, 48 घंटे में मैंने बिजली के दाम आधे कर दिए थे, 6 महीने में ये बिजली के दाम तो आधे कर देते कम से कम, गलत तो नहीं कह रहा जी मैं। 48 घंटे में दिल्ली वालों के बिजली के दाम आधे कर सकता हूं, ये 6 महीने में बिजली के दाम आधे नहीं कर सकते थे क्या दिल्ली वालों के, गलत तो नहीं कह रहा। पिछली बार चुनाव के पहले हमने भी कई वादे किए थे, पिछली बार पूरी दिल्ली में इसी मैदान के अंदर मीटिंग हुई थी, मैं आपको कह के गया था दिल्ली के हमारी सरकार बन गई तो बिजली के बिल आधे कर देंगे। कई मीडिया वाले मेरा मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, बिजली के दाम तो आधे हो ही नहीं सकते। भाई साहब सरकार बनने के 48 घंटे के अंदर बिजली के दाम आधे कर दिए थे, करे थे कि नहीं करे थे, किस किस के बिजली के दाम आधे हुए थे जरा आप खड़े कर दो, सबके बिजली के दाम आधे कर दिए थे। मेरे को याद है जी 102 डिग्री बुखार था मेरे को, 102 डिग्री बुखार में भी मैं गया था दफ्तर और फाइल पे साइन करके आया था, क्यों, वादा किया था आपको वादा पूरा करना था मेरे को। हमने 250 करोड़ रुपए खर्च करे थे जी आपके बिजली के दाम आधे करने के लिए, 250 करोड़ रुपए में की सब्सिडी दी थी। ये मीडिया वाले अंग्रेजी मीडिया वालों ने मेरा खून मजाक उड़ाया था, बोले केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, अरे घर थोड़ी लेके गया पैसे, जनता पे ही तो लुटा रहा हूं पैसे। आप ही बताओ अगर 250 करोड़ रुपए में मेरी दिल्ली की सारी जनता खुश होती है, अगर 250 करोड़ रुपए में मेरी सारी दिल्ली की जनता का बिजली का बिल कम होता हो, एक मुख्यमंत्री को क्या चाहिए भाई साहब। अभी गुजरात की मुख्यमंत्री बनी है जी आनंदीबेन पटेल, उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही अपने लिए 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद लिया। मैं भी खरीद लेता जी हेलीकॉप्टर, किसको अच्छा नहीं लगता, नहीं मैं भी खरीद लेता, रोज अपने घर से उड़ता, घर की छत से उड़ता, सचिवालय की छत पे उतरता,
तो ये मीडिया वाले कहते हैं वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, वेरी प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग चीफ मिनिस्टर। मैंने तय किया एक पैसा खर्च नहीं करना, मैं अपने ऊपर एक पैसा खर्च नहीं करना। हेलीकॉप्टर लेने तो दूर की बात है भाई साहब, मैंने अपने लिए एक पैसे का पेट्रोल भी खर्च नहीं करा सरकार का। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने बहुत बड़ी गाड़ी भेजी मेरे घर, लाल बत्ती लगी हुई थी, मैंने गाड़ी वापस कर दी। टूटी फूटी वैगनर में घुमा करता था मैं, अपनी घर से निकलता था लाल बत्ती पे रुकता था, नहीं तो भाई साहब लाल बत्ती थोड़ी होती है, हरी हरी होती है मुख्यमंत्री के लिए। तो सन्नाटे से चलता उसका काफिला, मैं लाल बत्ती पे रुकता था, कोई सिक्योरिटी तो नहीं रखी थी, जनता आगे घेर लेती मेरी गाड़ी को, जनता मेरे से पूछती, हाथ मिलाती, मैं शीशा नीचे करके हाथ मिलाता, जनता कहती ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा, हाथ दे दो उसकी सड़क पे गाड़ी रोक लो, उससे हाथ मिला लो सड़क पे। तो एक पैसा मैंने खर्च नहीं किया अपने ऊपर। हमने कहा था बिजली के दाम आधे करेंगे, हमने बिजली के दाम आधे करके दिखाए। जो कहा तो किया। फिर हमने कहा था हर परिवार को 20,000 लीटर पानी हर महीने मुफ्त देंगे। मेरे को पता है यहाँ पे सन्नू विहार देवली तुगलकाबाद के लोग हैं, उनके घरों में पानी नहीं आता, लेकिन जिन जिन लोगों के घरों में पाइप से पानी आता, उनके नलों में पानी आता है, उनसे पूछना हर परिवार के लिए हमने 20,000 लीटर पानी 5 दिन में, सरकार बनने के 5 दिन में मुफ्त कर दिया था। कई लोग आते हैं मेरे पास, बताते हैं जी पहले 2,000 रुपए 3,000 रुपए उनका महीने का बिल आया करता था पानी का, हमारी सरकार के दौरान 80 रुपए महीने आने लग गया। छोटी बात नहीं है जी, जो कहा सो किया। फिर हमने कहा था महंगाई कम करेंगे, यकीन होने वाली बात नहीं थी, महंगाई भी कम कर सकते हैं, आज तक किसी ने नहीं करी महंगाई कम। एक महीने जब मैं मुख्यमंत्री बना 50 रुपए किलो थी सीएनजी, एक महीने के अंदर 35 रुपए किलो कर दी थी सीएनजी। यहाँ कई ऑटो वाले बैठे थे बताना कि 35 रुपए किलो कर दी थी, है ना। हमारे टाइम में आलू 10 रुपए किलो मिला करते थे, आजकल क्या रेट हो रहा है, 30, 40, 25, आज 50 रुपए के किलो लेके आया भाई साहब। तो दोस्तों महंगाई कम करके दिखाई। सबसे बड़ा काम किया दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद कर दी दोस्तों, दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद कर दी थी। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ था, दिल्ली के अंदर पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे दोस्तों। गलत तो नहीं कह रहा जी, मेरे को एक चाय वाला मिला, चाय वाला बोला जी पहले 8 रुपए की चाय बेचा करता था, आपके टाइम में 6 रुपए की कर दी। मैंने कहा कैसे, बोला पहले 2,500 रुपए महीना पुलिस लेके जाया करती थी, आपके टाइम में पुलिस वालों ने पैसे ले जाने बंद कर दिए, मैंने चाय के रेट कम कर दिए। एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर मिला मेरे को, बोला जी मेरे खूब ट्रक चलते हैं, हर रेड लाइट के ऊपर हमारी सेटिंग है, हमें हफ्ता देना पड़ता है, रोज कम से कम मैं 1,00,000 रुपए की रिश्वत देता हूं, आपकी सरकार में एक पैसा नहीं देना पड़ा, 49,00,000 रुपए बच गए मेरे 49,00,000। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं, सारे पुलिस वाले गलत नहीं होते भाई साहब, मैं बहुत सारे पुलिस वालों को जानता हूं जो अपनी जान की बाजी लगा के आप लोगों की रक्षा करते हैं। हमारे टाइम में एक पुलिस वाला था, वो शराब माफिया से लड़ता लड़ता शहीद हो गया, क्या जरूरत थी उसको शराब माफिया से लड़ने की, पैसे ले लेता शराब वालों से घर चला जाता, क्यों लड़ रहा था, हमारे लिए लड़ रहा था। शराब माफिया से लड़ता लड़ता शहीद हो गया, मैंने तुरंत कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और मैंने कहा अब अगर दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान शहीद होगा उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाया। अभी 3 महीने पहले एक और पुलिस वाला शहीद हुआ था, माना राम, अभी तो हमारी सरकार भी नहीं थी, मैंने अखबार में पढ़ा
10 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं उसके परिवार को। मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी, एलजी साहब फाइल निकलाओ, देखो हमारी सरकार निर्णय लेके गई थी 10 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा, 1 करोड़ देना पड़ेगा। एलजी साहब को 1 करोड़ रुपए देने पड़ेगा। अभी परसों अखबार में आपने पढ़ा होगा, एक गाड़ी बैरियर के ऊपर 2 पुलिस वालों को कुचल के चली गई। कल मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी है, मैंने कहा एलजी साहब दोनों के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा होगा, इनको भी दिलवाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैं सड़क पे जा रहा था, एक पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी रोक ली। मैंने सोचा बेल्ट नहीं पहन रखी, शायद चलान करेगा। जैसे ही मैंने शीशा नीचे करा, उस पुलिस वाले की आंखों में टपटप आंसू बह रहे थे। वो कहता है जी दिल्ली में आज तक हम लोगों को केवल गालियां सुनने को मिली है, अब पहले शख्स हो जिसने हम लोगों को इज्जत दी है, सम्मान दिया है। अभी तक अगर कोई पुलिस में शहीद होता था, सरकार उसके परिवार को, उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन दिया करती थी। आपने 1 करोड़ रुपए नहीं दिए, आपने हमारी जान की कीमत एक सिलाई मशीन से बढ़ा के 1 करोड़ रुपए लगाए। तो हम लोगों ने तय किया कि जो ईमानदार है उनको सम्मान देंगे, उनको इज्जत देंगे, उनको इनाम देंगे, उनको प्रमोशन देंगे, जो बेईमान उनको जेल भेजेंगे। एमसीडी में हमारी सरकार के दौरान एमसीडी में भी पैसे लेने बंद कर दिए थे। इमान निको एक छज्जा आगे कर लो, एक लेंटर लगा लो, आजकल 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए ले रहे हैं एक लेंटर के। उन दिनों में एमसीडी वाले भी घबरा गए थे जी, एमसीडी वालों ने भी पैसे लेने बंद कर दिए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बाहर दलाल भाग गए थे, ड्राइविंग लाइसेंस फ्री में बनने लग गए थे बिना पैसे के। अस्पतालों में पहले दवाइयां चोरी होती थी, अस्पतालों के अंदर भी गरीब जनता को मुफ्त में दवाइयां मिलने लग गई थी। कैसे हुआ ये सब? याद करो जब मैंने शपथ ली थी रामलीला मैदान में, मैंने कहा था अब अगर दिल्ली में अगर आपसे कोई पैसे मांगे, मना मत करना, सेटिंग कर लेना। सेटिंग करके अपनी जेब में हाथ डालना और अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना, जब वो पैसे मांग रहे उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मेरे को लाके दे देना, उस अफसर को जेल भेज दूंगा। पहले एक हफ्ते में मैंने 5 अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया, ऊपर से नीचे तक सारे सीधे हो गए। सबको पता चल गया कि अब अगर जनता से पैसे मांगे पता नहीं कौन रिकॉर्डिंग कर ले, सारे डर गए कि इससे पैसे लेने बंद कर दिए। तो 49 दिनों में खूब काम करे, 49 दिनों में खूब काम करे, फिर मैंने इस्तीफा दे दिया और अब सारे जने नाराज हो गए, अब सारे जने गुस्सा हो गए, मेरे को पता चला तो नहीं कर रहा। लेकिन आज ये समझ के जाना पड़ेगा मेरे को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। आप लोगों ने पिछली बार 28 सीट दी, अगर 36 सीट दी होती सवाल ही नहीं उठता जो इस्तीफा दे देते। आपने सपोर्ट तो किया, वोट तो किया, पिछली बार कमी छोड़ दी थी थोड़ी सी, 28 सीट दी दिल्ली चलाने के लिए 36 सीट चाहिए, 8 सीट की कमी छोड़ दी। ये कांग्रेसी बोले हम समर्थन करेंगे, हमने जनता से पूछा, जनता बोली जी ले लो समर्थन जब तक देते हैं, हमने समर्थन ले लिया इनका। हमें क्या पता था ये कांग्रेसी अपने सबों के लिए हमारे क्या आएंगे। भाई साहब 49 दिन में एक भी काम नहीं करने दिया इन्होंने। मैं जानता हूं हर काम में टांग हटाते थे, रोड़ा हटाते थे, मेरा दिल जानता है कि कैसे मैंने काम किया। जब काम करना नामुमकिन हो गया तब मैंने इस्तीफा दिया। मैंने ये सोच के इस्तीफा दिया था कि आज इस्तीफा दे रहा हूं, कल दिल्ली में चुनाव हो जाएंगे, जनता हमसे बहुत खुश है, इस बार जनता 50 सीट देगी तो बिना कांग्रेस के समर्थन के 5 साल सरकार चलाएंगे। भाई साहब मेरे को क्या पता था कि ये चुनाव ही नहीं कराएंगे और राष्ट्रपति शासन लगा के छोड़ देंगे। दोस्तों वहां गलती हो गई, हमें समझना चाहिए था ये कितने शातिर हैं, ये चुनाव ही नहीं कराएंगे। और जैसे हम लोगों ने सरकार बनाने के पहले जनता से पूछा था, सरकार छोड़ने के पहले भी जनता से पूछना चाहिए था। लेकिन मैंने आए राजनीति में सीख रहे, एक सबक तो सीख लिया जी भारतीय राजनीति का, भारतीय राजनीति में कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो।
ये तो जनता नाराज हो जाती है, गलत तो नहीं कह रहा। इस बार 5 साल इस्तीफा नहीं देना जी, इस बार किसी भी हालत में 5 साल इस्तीफा नहीं देना। और एक और बात है जी, पूरा मत मानना, पिछली बार 28 सीट दी थी, 28 सीट में तो भाई साहब 49 दिन नहीं मिलेंगे। इस बार 50 सीट देना, 5 साल काम करते दिखाना। अब ये चुनाव होने वाले हैं जी, दिल्ली में 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। देखो जी, कांग्रेस तो लड़ाई में ही नहीं है, कांग्रेस को वोट देना कुएं में डालने के बराबर है, गलत तो नहीं कह रहा जी। कांग्रेस को वोट देके बेकार मत करना अपना वोट। टक्कर सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। बीजेपी वाले पिछले चुनाव के पहले कह रहे थे 30% बिजली के दाम कम करेंगे, करे नहीं उन्होंने, कह तो रहे थे, इस बार कहना ही बंद कर दिया, इस बार कह ही नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सरकार बनी तो दोबारा से बिजली के दाम आधे करेंगे। तो यहां बिजली के बिलों से कौन कौन परेशान है जी, जरा हाथ खड़ा कर देना। सारे परेशान है, सारे परेशान है। तो अगर आपको अपने बिजली के बिल कम कराने हैं तो किसको वोट दोगे? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कम कर सकती है। महंगाई कम करनी है तो किसको वोट दोगे? रिश्वतखोरी बंद करनी है तो किसको वोट दोगे? दोस्तों, अभी बिजली पानी पे मैं कई सारी बातें करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करना चाहता हूं। एक है महिलाओं की सुरक्षा। आज दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है जी, गलत तो नहीं कह रहा जी। घर से लड़की कॉलेज जाती है, माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है, पता नहीं शाम को सही सलामत आएगी कि नहीं। कभी भी अखबार में पढ़ते हैं किसी महिला के साथ कुकर्म हो गया, बहुत गुस्सा आता है जी। हम सारे मिलकर दिल्ली को सुरक्षित नहीं कर सकते महिलाओं के लिए? कर सकते हैं। तो हमारी पार्टी ने मिलकर महिलाओं के लिए बहुत बड़ा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया ब्लूप्रिंट बनाया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर ठीक हो तो बताना। सबसे पहला काम करेंगे दिल्ली के चप्पे चप्पे में, दिल्ली की हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे के ऊपर चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। इससे क्या होगा, अगर कहीं भी कोई अपराध होगा, कहीं भी कोई गलत काम होगा, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो कोई भी गलत काम करने के पहले घबराएगा कि मेरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, मैं पकड़ा जाऊंगा। हमने एस्टीमेट लगाया है लगभग 10 से 15 लाख कैमरे लगाने पड़ेंगे पूरी दिल्ली के अंदर, लगाने चाहिए, गलत तो नहीं है जी। दूसरी बात, आज एक लड़की बस में चढ़ती है, बस में अगर भीड़ हो उसके साथ ये लड़के छेड़छाड़ करते हैं, बहुत घिनाती है। हमने तय किया हर बस के अंदर एक सिक्योरिटी मार्शल लगाएंगे, अगर कोई लड़की से छेड़छाड़ करेगा वो लड़की चिल्लाएगी मार्शल मार्शल, वो वहीं बैठा होगा बस में, वो तुरंत आएगा उन लड़कों को पकड़ेगा और अगले थाने के अंदर उनको जमा करा देगा। कोई लड़का हिम्मत नहीं करेगा लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की, ठीक है जी। तीसरी बात, खुदा ना खास्ता किसी लड़की के साथ कहीं लड़की कोई फंस जाए, कहीं गलत स्थिति में फंस जाए, तो उसके लिए भी हमने तरीका निकाला। पूरी दिल्ली को वाईफाई करेंगे, वाईफाई सिटी बनाएंगे, फ्री में वाईफाई करेंगे पूरी दिल्ली को। इससे और बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हर मोबाइल फोन के ऊपर एक सुरक्षा बटन लगाएंगे जो वाईफाई के जरिए चलेगा। अगर कोई महिला, कोई लड़की कोई फंस जाती है किसी गलत स्थिति में, वो बटन दबाएगी, तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में उस लड़की की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी वो कहाँ है। पुलिस 5 मिनट के अंदर उस लड़की को पहुंच कर उसको बताएगी, ठीक है जी। दूसरी चीज, शिक्षा। आम आदमी पार्टी के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे कितना पैसा खर्चा पर करना पड़े, बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है जी। ये बच्चे पढ़ लिख गए ना, ये बड़े होकर देश का खूब विकास कर देंगे। ये बच्चे पढ़ लिख गए, अपने माँ बाप की गरीबी भी दूर कर देंगे। आज दिल्ली में 1200 प्राइवेट स्कूल है,
3000 सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों में खूब लूट मचा रखी है जी, गलत तो नहीं कह रहा। और ये सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पे जीरो है। हमने तय किया है 5 साल के अंदर, और जो मैं कह रहा हूं हम करके दिखाते हैं, 5 साल के अंदर चाहे कितना पैसा खर्चा करना पड़े, सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा का स्तर इतना अच्छा करेंगे कि प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा कर देंगे। 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों में ऐसी शिक्षा कर देंगे कि मंत्री, अफसर, अमीर आदमी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने में फख्र महसूस करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। 5 साल के अंदर ऐसी स्थिति कर देंगे, दिल्ली के अंदर कोई बच्चा पैदा होगा उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी। अगर किसी बच्चे का कहीं एडमिशन नहीं होता, मेरे पास ले आना, 5 साल के अंदर हम उसका एडमिशन कराएंगे, उसकी शिक्षा फ्री में करेंगे। दोस्तों 12वीं क्लास तक सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री होगी। 12वीं क्लास के बाद आज अगर एक बच्चा पढ़ के निकलता है 95% नंबर भी आ जाए तब भी एडमिशन नहीं मिलता उसको। यहाँ बच्चे खड़े होंगे, गलत तो नहीं कह रहा, 95% में भी नंबर उसको एडमिशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? 95% नंबर कम नहीं होते, बच्चे खूब पढ़ते हैं तब आते हैं 95% नंबर, इसलिए नहीं मिलता। ये 20 साल से इन्होंने दिल्ली में कोई कॉलेज नहीं खोले, जनसंख्या बढ़ गई, बच्चे बढ़ गए, कॉलेज खोले नहीं तो बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ से एडमिशन मिलेगा? आम आदमी पार्टी ने तय किया है 5 साल के अंदर 20 नए कॉलेज बनाए जाएंगे दिल्ली में। अगर किसी बच्चे के 70% नंबर आए तो उसको एडमिशन मिलना चाहिए, और वो पढ़ना चाहता है तो उसको एडमिशन मिलना चाहिए। दूसरी चीज, आज पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है जी, सरकारी स्कूलों में भी बहुत महंगी हो गई है। मैं IIT खड़गपुर में पढ़ा करता था, मेरे टाइम में 32 रुपये महीना ट्यूशन फीस होती थी। अभी मेरी बेटी गई है IIT दिल्ली में, उसके 50,000 रुपये जमा कराए। एक गरीब आदमी तो नहीं दे सकता जी 50,000 रुपये, एक गरीब आदमी बेचारा कैसे इंजीनियर बनाएगा, कैसे डॉक्टर बनाएगा अपने बच्चों को? तो हमने तय किया है 12वीं क्लास के बाद सारे बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, उनको अपने माँ बाप से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। इसकी हमने पूरी स्कीम बनाई है, कोई भी बच्चा 12वीं क्लास के बाद एडमिशन लेगा कॉलेज में, उसको बैंक से लोन दिलवाएंगे। आज अगर बैंक से लोन लेने जाओ, बैंक वाले कहते हैं गारंटी दो जी, जमीन की गारंटी दो, जमीन की भी रखो, घर की गारंटी दो। कहां से दे गारंटी? नहीं है हमारे पास घर, नहीं है हमारे पास जमीन, कहां की गारंटी दे, कैसे गिरवी रखे? तो आम आदमी पार्टी ने हमने तय किया है कि सरकार गारंटी देगी, मां बाप को गारंटी देने की जरूरत नहीं है, हम गारंटी देंगे हर बच्चे की। जैसे ही बच्चा एडमिशन लेने जाएगा, कॉलेज के एडमिशन फॉर्म के साथ साथ उसको एक बैंक के लोन का फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म भरेगा और उसको कुछ नहीं करने की जरूरत, कोई गारंटी नहीं लेनी, उसकी फीस सीधे बैंक से कॉलेज में चली जाया करेगी। जब वो बच्चा पढ़ लिख के निकलेगा, नौकरी लगेगा, बिजनेस करेगा, तो वो अपना लोन वापस चुकाएगा। लेकिन अगर किसी की नौकरी नहीं लगती, कोई बच्चा नहीं दे सकता, तो माँ बाप को देने की जरूरत नहीं है, सरकार उसका लोन बैंक को वापस करेगी। दोस्तों आप सोच के देखो, अगर ये स्कीम आ गई तो गरीब लोग भी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बना सकेंगे। अमीर और गरीब बच्चे सारे एक साथ पढ़ेंगे, और एक साथ बढ़ के जब आगे बढ़ेंगे तो इस देश में ना कोई गरीबी और अमीरी नहीं रहेगी दोस्तों, सारे बराबर हो जाएंगे। अब दो बात आज की मुद्दों पे करते हैं, बिजली और पानी पे। दोस्तों सबसे पहले आज पूरी दिल्ली की जनता बिजली के बिलों से परेशान है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली के बिल आधे कर दिए थे, लेकिन जैसे ही मैंने इस्तीफा दिया, इन लोगों ने फिर से बिजली के बिल बढ़ा दिए। क्या जरूरत थी जी? अगर मैं कर सकता था तो ये भी कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार कहा था 30% बिजली के बिल कम करेंगे, लेकिन इन्होंने बिजली के बिल कम नहीं किए, इन्होंने धोखा दिया। आज हम घोषणा करते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो फिर से दिल्ली वालों के बिजली के बिल हम आधे करके दिखाएंगे दोस्तों। दूसरी बात, इन बिजली कंपनियों ने बहुत घपले कर रखे भाई साहब, इन बिजली कंपनियों का ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
इन बिजली कंपनियों की चेकिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इन्होंने लूट मचा रखी है। पिछले 10 साल से दिल्ली वाले कह रहे थे इन बिजली कंपनियों की चेकिंग कराओ, इनका ऑडिट कराओ, शीला दीक्षित जी ने नहीं करवाया। बार बार शीला दीक्षित जी कह रही थी कि हम ऑडिट नहीं करवा सकते, हाईकोर्ट में केस चल रहा है, हाईकोर्ट में केस चल रहा है। बीजेपी वालों ने भी नहीं किया कुछ, बीजेपी वाले कहते थे ऑडिट करवाएंगे, 6 महीने हो गए अब क्यों नहीं ऑडिट करवा रहे ये लोग, बिना ऑडिट करवाए इन लोगों ने बिजली के दाम बढ़ा दिए बीजेपी वालों ने। आम आदमी पार्टी की हमारी सरकार बनी, जब मैंने फाइल मंगवाई बिजली डिपार्टमेंट से, फाइल खोल के देखी तो पता चला हाईकोर्ट में केस तो चल रहा है, हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दे रखा। मैंने तुरंत इन बिजली कंपनियों का ऑडिट ऑर्डर करा कि बिजली कंपनियों की चेकिंग करो, इनका ऑडिट करो। ये बिजली कंपनियां हमारे खिलाफ हाईकोर्ट में चली गई, हाईकोर्ट ने कहा जो केजरीवाल की सरकार कह रही है ठीक कह रही है, ऑडिट होना चाहिए इन बिजली कंपनियों का। तो हमने ऑडिट ऑर्डर कर दिया इन बिजली कंपनियों का। अब मेरे को पता चला ये बिजली कंपनियां कागज नहीं दे रही। दोस्तों अगर हमारी सरकार बनेगी जब, तो जब तक इन बिजली कंपनियों का ऑडिट पूरा नहीं होगा, जब तक ये बिजली कंपनियां अपने सारे कागज नहीं देंगी, दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़ाए नहीं जाएंगे किसी भी हालत में। पता तो चले इन कंपनियों में चल क्या रहा है, पता तो चले इन्होंने कितना घोटाला कर रखा है। दोस्तों जब तक इनका ऑडिट पूरा नहीं होगा, तब तक दिल्ली के अंदर बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। दूसरी बात, ऐसा कानून बनाएंगे कि हर साल बिजली कंपनी का ऑडिट होना जरूरी है। पिछले 10 साल से इन कंपनी का ऑडिट नहीं हुआ, 10 साल से इन कंपनियों की चेकिंग नहीं हुई, इसलिए इन्होंने दादागिरी कर रखी है। हम कानून बनाएंगे, हम ये व्यवस्था करेंगे कि हर साल इन बिजली कंपनियों का ऑडिट होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जी भाई साहब? तीसरी चीज, दिल्ली में 24 घंटे बिजली का प्रावधान करने के लिए कई सारे कदम उठाए जाएंगे। एक तो आजकल जर्मनी में, मैं आपको बताता हूं, जर्मनी में धूप से बिजली बनती है जी, धूप आती है, सोलर एनर्जी कहते हैं। जर्मनी में तो बहुत ठंड पड़ती है, कभी कभी धूप आती है, फिर भी पूरे जर्मनी में 40% बिजली वो अपनी धूप से बनाते हैं। हमारे दिल्ली में तो धूप ही धूप आती है। इस धूप से अगर हम बिजली बनाने लग जाएं तो कितना फायदा होगा भाई साहब? नहीं जी, इस धूप से बिजली बनाएंगे जी हम भी, और इस धूप से कोई भी बिजली बना सकता है। तो जैसे सोसाइटी है, जैसे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, मोहल्ला है, ये सारे लोग मिलकर अगर अपनी बिजली बनाएंगे धूप से, तो जितनी भी बिजली इनको इस्तेमाल करनी है खुद इस्तेमाल करेंगे, बाकी हम ऐसी व्यवस्था करेंगे वो अपनी बिजली सरकार को बेचना चाहे तो सरकार को अपनी बिजली भी बेच सकते हैं। आप अपनी खुद बिजली बनाना चालू कर दोगे और जो बचेगी बिजली वो सरकार को बेचना चालू कर दोगे, उससे कमाई भी होगी, आपको बिजली के बिल भी देने पड़ेंगे और कमाई भी होगी दोस्तों। तो सोलर एनर्जी लेके आएंगे, इसमें सब्सिडी दी जाएगी, पहले खरीदने के लिए काफी पैसे लगते हैं, सरकार सब्सिडी देगी। दूसरे, दिल्ली सरकार कई सारे पावर आते 24 घंटे पानी आता, जनता के घरों में 1 घंटा पानी भी नहीं देते, ये तो गलत है भाई साहब। अगर पानी की कमी है तो सबकी कमी होनी चाहिए, और पानी है तो सबके लिए होना चाहिए, गलत तो नहीं कर रहा जी? कमी है तो सबकी कमी करो, सारे इंसान हैं। तो दोस्तों दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, हर आदमी कहीं ना कहीं से तो पानी का इस्तेमाल करता, पानी के बिना 24 घंटे जिंदा नहीं रह सकते, तो पानी कहीं ना कहीं से तो लेता है जी हर इंसान, खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ों के लिए, सफाई के लिए, कहीं ना कहीं से तो लेता है। इसका मतलब दिल्ली में पानी तो है, गलत तो नहीं कह रहा? ये 2 करोड़ लोग कहीं ना कहीं से तो पानी ले रहे हैं, नहीं तो चले जाते दिल्ली छोड़ छोड़ के अगर पानी का काल पड़ जाता तो पानी तो है लेकिन आपकी टूटी में नहीं आ रहा। नहीं जी, तो क्या है? पानी की चोरी हो रही है। जो पानी आपकी टूटी में आना चाहिए वो ये टैंकर माफिया वाले दे रहे हैं, उनसे खरीदना पड़ता है। तो दोस्तों ये पानी की चोरी के ऊपर अगर हमने लगाम लगा दी तो मेरे को पूरा यकीन है संगम विहार में भी पानी आ जाएगा, देवली में भी पानी आ जाएगा, तुगलकाबाद में भी पानी आ जाएगा, मेरे को पूरा यकीन है। 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर के अंदर आपकी टूटी के अंदर पानी आया करेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन 5 साल लगेंगे, जब तक आपके घर में टूटी से पानी नहीं आता
यहाँ पे सारे संगम बिहार तुगलकाबाद और देवली के लोग बैठे हैं। जब तक आपके घर में टूटी से पानी नहीं आता, आप लोग ट्यूबवेल से पानी लेते हो और टैंकर से पानी लेते हो, दो जगह से पानी लेते हो आप लोग। ये ट्यूबवेल का जो पानी आता है बहुत गंदा है, इस पानी की सफाई का इंतजाम करने के लिए यहीं पे हम छोटे छोटे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। मैंने ये स्टडी किया है, टेक्नोलॉजी है, तकनीक अवेलेबल है कि बहुत छोटे छोटे पानी के प्लांट लगाए जा सकते हैं। तो जो ट्यूबवेल से पानी आता है उसको साफ करके आपके घरों में सप्लाई किया जा सकता है पीने के लिए। दूसरा, अगर आपके यहाँ टैंकर की कमी है, अभी आपको टैंकर माफिया से पानी खरीदना पड़ता है, जल बोर्ड आपको जितने टैंकर कहोगे जल बोर्ड आपको टैंकर भेजा करेगा, जितने टैंकर कहोगे उतने टैंकर आप लोगों को भिजवाएंगे जब तक आपके घर में पाइप से पानी नहीं पहुंचाएंगे। ये हम लोगों का वादा है। दूसरी चीज, दिल्ली में 14 लाख परिवार ऐसे हैं जी जिनके घरों में पाइप से पानी नहीं आता, 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे। ये बड़ी शर्म की बात है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, दिल्ली के अंदर अगर घरों को पानी नहीं मिल रहा तो ये बहुत शर्म की बात है। और जैसा पहली बार किया था, हर परिवार को जिन जिन के लोगों के घरों में 20-20 पाइप से पानी आता है, 20-20 हजार लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त दिया जाएगा। ये मुफ्त हम क्यों दे रहे हैं? हमको ये लगता है हवा पानी ये जीने के लिए जरूरी है। कल को ऐसा ना हो कि सरकार हवा पे टैक्स लगा दे, ये गलत बात है। इसी तरह से हमें ये लगता है कि एक आदमी को रोज 150 लीटर पानी जीने के लिए चाहिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने धोने के लिए। इसको अंग्रेजी में लाइफ लाइन वाटर कहते हैं कि जीने के लिए इतना पानी चाहिए। जितना पानी जीने के लिए चाहिए उतना पानी सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको फ्री में सप्लाई करे। जो अमीर लोग हैं ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियां धोते हैं, उनसे पैसे लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको 20-20 हजार लीटर पानी मुफ्त में हर रोज हर महीने दिया जाता है। दूसरी चीज, दिल्ली में पानी बाहर से आता है जी, उत्तर प्रदेश से आता है, हरियाणा से आता है। दिल्ली की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कब तक उत्तर प्रदेश वाले देंगे जी अपने को पानी? हरियाणा वाले कब तक देंगे? तो दिल्ली को अपना पानी तो खुद कुछ करना पड़ेगा। तो दो कदम उठाएंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कितनी बारिश होती है जी दिल्ली के अंदर, वो सारा बारिश का पानी सड़कों के ऊपर बह जाता है, सड़कें भर जाती है, हमारे को तकलीफ देती है। हम ऐसा इंतजाम करेंगे ये सारा बारिश का पानी जमीन के अंदर अगर चला जाए तो अगले 1 साल तक वो जमीन का पानी हम निकाल निकाल के पी सकते हैं उसके बाद, इसकी व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, यमुना में बाढ़ आती है हर साल, यमुना कितनी ऊंची हो जाती है और हमें डर लगता है बाढ़ तो नहीं आ जाएगी। यमुना के पूरे किनारों के ऊपर छोटी 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 लेक्स बनाई जाएंगी और यमुना का जो बाढ़ का पानी है वो यमुना के तट के अंदर हम समेट लेंगे, ताकि अगले कुछ एक्सपर्ट्स मेरे को बता रहे थे, कुछ जानकार लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा अगर आप ये कर दो तो कम से कम 100 दिन का पूरी दिल्ली का पानी आप यमुना के अंदर स्टोर कर सकते हो, यमुना की जमीन के अंदर स्टोर कर सकते हो। ये भी करेंगे और यमुना को साफ सुथरी करेंगे। ये जो झील बनेगी, छोटी छोटी झील यमुना के किनारे, यहाँ पे आप अपने बच्चों को लेके जाओ, उनके साथ बोटिंग करो, वहां पे साफ सुथरा घास उगाएंगे, वहां पे लॉन बनाएंगे, वहां पे आपके आप लोगों के लिए पूरी यमुना की सफाई करेंगे जी, और वो पानी हमारे पीने के लिए भी काम आएगा। तो दो, और एक आखिरी बात है, बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार है जी, ऊपर घर बना रखा है, नीचे छोटी सी किराने की दुकान खोल रखी है, इन लोगों से जल बोर्ड कॉमर्शियल पानी के दाम लेता है, बहुत हाई पानी के दाम लेता है। ये कई लोग आए थे मेरे पास, बोले जी हमारा डोमेस्टिक होना चाहिए। मैं सहमत हूँ जी, जिन लोगों की 100 फुट से कम की दुकानें हैं, ऐसे 2 लाख छोटे छोटे व्यापारी हैं जिनकी 100 फुट से कम की दुकानें हैं, उन लोगों से कॉमर्शियल पानी के दाम नहीं लिए जाएंगे, उनसे डोमेस्टिक पानी के दाम लिए जाएंगे। तो ये कुछ एक बातें थी, अंत में मैं केवल ये कहना चाहता हूँ जी, ये सब तो तब करेंगे ना जब जीतेंगे, नहीं जी नहीं तो बड़ी बड़ी बातें कर लो जितने ही, तो जिताने की जिम्मेदारी आपकी है जी, आप जिता दोगे तो ये सब करने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है? तो ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई आप सब लोगों की है, आप सब लोगों को लड़ना पड़ेगा जी। पिछली बार शीला दीक्षित जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था मैं, टोटल 3 लाख रुपए खर्च करे थे,
3 लाख रुपए में चुनाव लड़े जाते हैं भाई साहब। ये लोग तो 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ करते हैं, और अब देखना बीजेपी वाले आएंगे, सारे होर्डिंग, सारे अखबार, सारे टीवी चैनलों पे एड एड देंगे। भाई साहब जो इतने करोड़ रुपए खर्च करेगा वो 10 गुना पैसे तो निकालेगा जीतने के बाद, नहीं निकालेगा जी? कहां से निकालेगा? आपके बिजली के दाम बढ़ाएगा, बिजली कंपनियों से सेटिंग करेंगे। ये मैंने 3 लाख रुपए खर्च करे थे, वो भी जनता ने दिए थे। कैसे जीता था मैं चुनाव? चुनाव मैं नहीं लड़ा था, चुनाव जनता लड़ी थी, जनता घर घर गई थी, जनता ने जाकर वोट मांगे थे। इस बार भी आप लोगों ने चुनाव लड़ना है जी। ये जितने हमारे देवली के संगम विहार के कैंडिडेट हैं, इनके पास पैसे नहीं है जी, ये फक्कड़ है, मेरी तरह फक्कड़ है, मैं भी फक्कड़ हूं। ये चुनाव आपने लड़ना है। यहां जितने लोग खड़े हैं, खूब सारे लोग खड़े हैं जी, आप लोग आज एक कसम खा के जाओ, अगले 2 महीने में चुनाव होने वाले हैं, 2 महीने में हर रोज 5-5 लोगों को हर आदमी बोलेगा कि भाई आम आदमी पार्टी को वोट देना। मंजूर है? जरा हाथ खड़े कर दो जिस जिसको मंजूर है। हर आदमी, हर औरत, अपने रिश्तेदारों को फोन करो, अपने दोस्तों को फोन करो भाई इस बार झाड़ू पे मोहर लगानी है, अपने गली में बोलो सबको, अपनी दफ्तर में जाके सबको बोलो, अपने सारे ग्राहकों को बोलो कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देनी है। केजरीवाल को जिताने के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए नहीं, अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पानी के बिल घटाने के लिए, घर घर में पानी पहुंचाने के लिए, बिजली के काम कम कराने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने लिए लड़ना है जी। अपने को हम अपने लिए नहीं लड़ रहे। अंत में एक मैं छोटी सी प्रार्थना गाके सुनाना चाहता हूँ, हमारी पार्टी की प्रार्थना है। हम कैसा भारत चाहते हैं, हम कैसा समाज चाहते हैं? मैं 2 मिनट रुक जाऊँ जी, बस 2 मिनट की बात, अच्छी अच्छी प्रार्थना है। मैं गाता अच्छा नहीं हूँ जी, पहले चेतावनी दे देता हूँ, कभी कहो। मैं एक एक लाइन बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराएंगे। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाए, हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब।